दोस्तों आईपीएल से पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि शुरू होने वाला है और दोस्तों इसके बारे में बात करने वाले हैं कि सभी टीमों की प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है। दोस्तों इनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो एंड तक देखना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्केड्यूल के बारे में। बीसीसीआई ने जो कि स्केड्यूल जारी कर दिया है और दोस्तों स्केड्यूल जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा आप देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों आपने पिछले साल देखा होगा कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को जो कि काफी अच्छा रिस्पांस मिला था जो कि पब्लिक की ओर से, और दोस्तों सभी टीमों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। और दोस्तों इनमें जो दो सबसे सफल टीमें रही थी वो थी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस, जो कि मुंबई इंडियंस चैंपियन रही थी। तो दोस्तों सबसे पहली टीम की बात करें तो सबसे पहली टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा आप देख सकते हो। इनके अलावा बात करें तो अब प्लेइंग 11 की बात करें तो इनमें जो कि ओपनिंग कर सकते हैं वो है मैग लैनिंग जो कि इस टीम की कप्तान है, और इसके बाद शेफाली वर्मा। इन दोनों खिलाड़ियों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था पिछले साल, और दोस्तों इसलिए इस साल भी दिल्ली कैपिटल्स इन दोनों पर जो कि विश्वास दिखाएगा ओपनिंग के लिए। इसके बाद दोस्तों जो कि नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर जो कि एलिस कैप्सी जो कि काफी अच्छी परफॉर्मर है, और दोस्तों यह खिलाड़ी जो कि नंबर 3 के लिए काफी फिट बैठती है। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो जेमिमा रॉड्रिक्स। दोस्तों जेमिमा रॉड्रिक्स की बात करें तो यह भी काफी अच्छी प्लेयर है और दोस्तों काफी अच्छी परफॉर्मर भी है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी मैचेस थी जिसमें उन्होंने अच्छे कैच भी पकड़े थे और उसकी वजह से उन्होंने काफी अच्छा डांस भी किया था। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि यह जो कि एक अच्छी प्लेयर के अलावा वो अच्छी परफॉर्मर भी है, उसकी वजह से यह खिलाड़ी जो कि इस टीम के लिए हरफन मौला खिलाड़ी के तौर पर कह सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 5 पर जो कि मैरी जेन कैप जो कि दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, एक फिनिशर के रूप में भी खेल सकती है। और दोस्तों एनाबेल सदरलैंड जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। इनके अलावा बात करें तो तानिया भाटिया जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, और इंडिया के लिए भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और दोस्तों उसकी वजह से जो कि इस बार जो कि मैच फिनिशर के रूप में तानिया भाटिया यहां पर खेल सकती है। इनके अलावा बात करें तो यहां से जो कि गेंदबाजी का क्रम शुरू होता है जिसमें अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे, राधा यादव और मीनू मणि। दोस्तों ये जो कि गेंदबाजी का क्रम होगा, और दोस्तों यह जो 4 प्लेयर है वो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और दोस्तों भारत के लिए भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। और दोस्तों ये जो कि ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन कोर है इनके पास गेंदबाजी का, इसलिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस यह टीम कर सकती है। और दोस्तों यह टीम पहले सीजन में भी काफी बैलेंस नजर आई थी, और इस साल भी यह टीम जो कि बैलेंस नजर आ रही है, और दोस्तों यह टीम चैंपियन भी बन सकती है क्योंकि पिछले साल जो कि एक कदम से वो चूक गई थी। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी टीम की। तो दोस्तों दूसरी टीम है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्कोर की बात करें तो स्कोर कुछ इस तरह है आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। दोस्तों पिछले साल जो कि इनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था, और दोस्तों यह टीम जो कि बॉटम पर ही इन्होंने अपना सीजन खत्म किया था। इनमें बात करें तो बड़े बड़े खिलाड़ियों का यहां पर तांता लगता है, लेकिन दोस्तों बात करें तो इनका परफॉर्मेंस काफी डिसेंट रहा था, जिसमें बात करें स्मृति मंधाना भी थी इंडियन टीम के लिए तो काफी अच्छा खेलती है, लेकिन दोस्तों आरसीबी के लिए उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। उसकी वजह से दोस्तों इस बार जो कि स्मृति मंधाना पर सबकी नजरें रहने वाली है, और आरसीबी की टीम को जो कि अच्छा करा पाए इसके लिए दोस्तों इनकी जो कप्तानी भी काफी यहां पर टेस्ट होने वाली है। दोस्तों ओपनिंग की बात करें तो इनमें जो कि स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन, दोस्तों न्यूजीलैंड की यह प्लेयर जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, और दोस्तों इनकी बात करें तो पिछले साल इन्होंने जो कि सबसे तेज 99 रन पर वो आउट हो गई थी, लेकिन दोस्तों इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। इनकी बात करें तो इनको इनका परफॉर्मेंस अच्छा तो रहता है, लेकिन दोस्तों ये तेज खेलने की वजह से जो कि यह प्लेयर जो कि अपनी विकेट भी कभी कभी खो देती है, लेकिन दोस्तों यह न्यूजीलैंड की प्लेयर जो कि काफी अच्छा खेलती है, ये 20 की मास्टर प्लेयर कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं दिशा कसर जो कि नंबर 3 पर खेलने वाली है, और दोस्तों इंडियन प्लेयर जो कि इस बार इस टीम में काफी अच्छे हैं, और दोस्तों ये दिशा कसर है नई प्लेयर है, और दोस्तों इंडियन टीम के लिए जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर चुकी है, उसकी वजह से यहां पर आरसीबी जो कि नंबर 3 पर इस खिलाड़ी को खिला सकती है। इसके बाद एलिस पेरी जो कि इनको जो कि नंबर 3 पर मुझे लगता है खिलाना चाहिए, और दिशा कसर को जो कि नंबर 4 पर खिलाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी जो कि एक इंडियन प्लेयर को वन डाउन खिलाएगी, और नंबर 4 पर जो कि एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान थी, और दोस्तों यह ऐसी कप्तान है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुकी है, और दोस्तों रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड से भी वो ऊपर चली
करी गई है। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों यह प्लेयर जो कि एक लेजेंड प्लेयर कह सकते हैं और आरसीबी के लिए यह प्लेयर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इनके अलावा बात करें तो जॉर्जिया वेरहम जो कि एक गुजरात जायंट्स की प्लेयर थी पिछले साल, लेकिन दोस्तों इस बार जो कि इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है बीबीएल में, लेकिन दोस्तों गुजरात जायंट्स ने इनको रिलीज कर दिया था और आरसीबी ने अपने साथ जोड़ा है। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस अगर आरसीबी के लिए अच्छा रहता है तो आरसीबी अच्छा कर सकती है, क्योंकि दोस्तों यह जो कि एक ऑलराउंडर प्लेयर है और दोस्तों यह ऑलराउंडर प्लेयर जो कि आरसीबी के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों अब बात करते हैं ऋचा घोष जो कि एक विकेट कीपर के रूप में खेलने वाली है। दोस्तों बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि ऋचा घोष जो कि इस बार जो कि आरसीबी के लिए अच्छा कर पाए, ऐसी यहां पर आरसीबी होप रख रही होगी। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कनिका आहूजा, श्रेयंका पाटिल, कैट क्रॉस, एकता बिष्ट और रेणुका सिंह, यहां पर जो कि कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो कि ऑलराउंडर है और गेंदबाजी करते हैं। और दोस्तों इनकी बात करें तो इस साल यानी कि दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि स्पिनर पर ज्यादा यहां पर ध्यान दिया गया है आरसीबी के थिंक टैंक ने, और दोस्तों उसकी वजह से यहां पर जो कि तीन तीन स्पिनर जो कि प्लेइंग 11 में खेलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और दोस्तों आरसीबी पिछले साल से इस साल जो कि काफी अच्छी मजबूत नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी टीम की, तो दोस्तों तीसरी टीम है वो है गुजरात जायंट्स। दोस्तों पिछले साल की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था, लेकिन दोस्तों इस साल इन्होंने जो कि स्क्वाड भी तैयार किया है। और दोस्तों इनकी बात करें तो गुजरात जायंट्स का स्क्वाड कुछ इस तरह है। और दोस्तों अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करें तो इनकी प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हो सकती है। बैथ मुनी जो कि एक विकेट कीपर के रूप में खेलने वाली है, और दूसरी खिलाड़ी है वो है लॉरा वल्वर्ट जो कि काफी अच्छा ओपनिंग बल्लेबाजी करती है, और दोस्तों उसकी वजह से इसके बाद दोस्तों फाइव लिचफील्ड और हर्लिन देओल ये दोस्तों टॉप फोर होने वाली है। और दोस्तों इसके बाद डी हेमलथा और एस्ले गार्डनर दोस्तों यह जो कि प्लेयर जो कि एक बल्लेबाज के रूप में खेलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं ऑलराउंडर और गेंदबाजों के बारे में, तो दोस्तों केशवी गौतम, स्नेह राणा, मन्नत कश्यप, मेघना सिंह और शबनम शकील, मेघना सिंह और शबनम शकील दोनों में से कोई एक खिलाड़ी यहां पर खेल सकता है। और दोस्तों ये जो कि गुजरात जायंट्स का प्लेइंग 11 होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं यूपी वॉरियर्स की, तो दोस्तों यूपी वॉरियर्स भी काफी अच्छी टीम है, और दोस्तों इनकी टीम भी काफी अच्छा बैलेंस नजर आता है। और दोस्तों इस टीम ने जो कि पिछले साल जो कि 50-50 परफॉर्मेंस किया था, इसके लिए यह टीम जो कि फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। इनकी टीम जो कि ऑन पेपर काफी अच्छा दिखती है, लेकिन दोस्तों अगर बात करें ओवरऑल यानी कि दोस्तों ग्राउंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस पिछले साल काफी खराब रहा था। इस टीम ने जो कि काफी बदलाव किए हैं। और दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 की बारे में बात करने से पहले बात करते हैं स्क्वाड की, तो दोस्तों इनका जो स्क्वाड कुछ इस तरह है जो कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करें तो एलिसा हेली जो कि एक कप्तान भी है और एक विकेट कीपर भी है, इनके अलावा बात करें तो दूसरा ओपनर जो कि है श्वेता शेहरावत जो कि दोस्तों यह एक इंडियन प्लेयर है और दोस्तों यह ओपनिंग भी काफी अच्छा कर लेती है। यूपी वॉरियर्स जो कि इन दो प्लेयर्स को जो कि ओपनिंग करा सकती है। इसके बाद वृंदा दिनेश जो कि एक यंग प्लेयर है और दोस्तों इनको भी 1 करोड़ से ज्यादा पैसों में खरीदा है, और दोस्तों यह प्लेयर जो कि एक यंग प्लेयर है और दोस्तों इसकी वजह से जो कि यूपी ने एक नए प्लेयर पर जो कि पैसे लुटाए हैं, और दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि यह प्लेयर जो कि इस साल अच्छा करती है तो दोस्तों यूपी वॉरियर्स के लिए एक स्टार प्लेयर बन सकती है। इनके अलावा बात करें तो किरण नवगिरे जो कि एमएस धोनी की फैन रही है, दोस्तों इनकी बात करें तो इन्होंने पिछले साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और दोस्तों ये काफी तेज तर्रार खेलती है। इनके अलावा बात करें तो ताहिला मैग्राज जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ग्रेस हैरिस, इसके बाद दीप्ति शर्मा जो कि एक इंडियन प्लेयर है और दोस्तों ये मुझे लगता है कि एक ऑलराउंडर प्लेयर है और दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसके बाद दोस्तों सोफी एक्लेस्टोन की बात करें तो यह एक इंग्लैंड की प्लेयर है और दोस्तों इनकी बात करें तो इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और दोस्तों विमेंस प्रीमियर लीग में भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है और नए गेंद से वो काफी अच्छी गेंदबाजी करती है, खींची हुई गेंदबाजी करती है। इसके लिए दोस्तों यहां पर जो कि सोफी एक्लेस्टोन का यहां पर काफी अच्छा रोल रहने वाला है यूपी के लिए। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं परस्वी चोपड़ा, अंजलि सरवानी और एस यशश्री, दोस्तों ये जो कि तीन गेंदबाज मुख्य गेंदबाज होने वाले हैं और दोस्तों ये जो कि इंडियन प्लेयर है, और दोस्तों इंडियन प्लेयर किसी भी टीम में होते हैं तो टीम अच्छी मजबूत नजर आती है। और दोस्तों यूपी वॉरियर्स के लिए दोस्तों ये जो कि काफी अच्छा
पॉजिटिव साइन कह सकते हैं। इनके अलावा बात करें तो अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस जो कि है डिफेंडिंग चैंपियन। दोस्तों इनकी बात करें तो इनमें कुछ बात करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों यह जो कि सबसे अच्छी टीम है, और दोस्तों इनकी बात करें तो इनकी टीम जो कि काफी अच्छा बैलेंस भी इस टीम में नजर आता है। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्कोर की, तो दोस्तों ये स्कोर कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। इनके अलावा बात करें तो प्लेइंग 11 कुछ इस तरह है, जैसे कि हिली मैथ्यूस और यस्तिका भाटिया जो कि विकेट कीपर के रूप में खेलती है और ओपनिंग भी करती है। और दोस्तों ये भी इंडियन टीम के लिए खेल चुकी है और दोस्तों अभी भी वो खेल रही है। और दोस्तों इनकी बात करें तो हिली मैथ्यूज तेज तर्रार बल्लेबाजी भी करती है और स्पिन गेंदबाजी भी काफी अच्छी कर लेती है। इसके लिए दोस्तों यह जो कि वेस्टइंडीज की प्लेयर है और दोस्तों मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुकी है, इसके लिए मुंबई इंडियंस जो कि इस साल भी इनको ही ओपनिंग कराने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो नटाली स्केवियर ब्रंट जो कि दोस्तों एक नंबर 3 पर खेलती है यह प्लेयर, और दोस्तों यह जो कि एक ऑलराउंडर प्लेयर है। और दोस्तों इनकी बात करें तो इनके बल्लेबाजी जो कि बेन स्टॉक जैसी है और यह खिलाड़ी जो कि मैच को खींचकर लेकर आती है। और दोस्तों इसके लिए टीम जो कि इनकी वजह से ही यहां पर जो कि काफी अच्छी बैलेंस में नजर आती है। तो हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान है और दोस्तों मुंबई इंडियंस के लिए इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। और दोस्तों यह खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के लिए हो या फिर इंडियन टीम के लिए काफी अच्छा खेलती है और तेज तर्रार खेलती है। एमिलिया केयर दोस्तों यह न्यूजीलैंड की प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, और दोस्तों इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है न्यूजीलैंड के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए भी। अमनजोत कौर मुंबई इंडियंस के लिए, इनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। हमायरा काजी, इसके बाद पूजा वस्त्रकार, इशी वांग, दोस्तों यह खिलाड़ी भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, बल्लेबाजी भी कर लेती है और इसके बाद गेंदबाजी भी काफी अच्छी करती है, तेज गेंदबाजी करती है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो चिंतामणि कलिता, इसके बाद शाइका इशाक जो कि एक स्पिन गेंदबाज है, और दोस्तों इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा था विमेंस प्रीमियर लीग में जो कि पिछले साल हुआ था इसमें। दोस्तों इसके लिए यह टीम जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है इस साल भी, और दोस्तों पिछले साल वो चैंपियन तो रही थी। और दोस्तों ये जो कि 5 टीमों की प्लेइंग 11 है सभी टीमों की, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा।